अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हेलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 18, टेम्परेचर हीट एंड द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, चैप्टर प्रॉब्लम नंबर 8 है। अब वो कहता है 20 सेल्सियस पे ब्रास क्यूब का जो एज लेंथ है 30 सेंटीमीटर है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया मांग रहा है जब हम उसको हीट करेंगे 20 सेल्सियस से 75 सेल्सियस तक। अब सबसे पहले तो हमें सरफेस एरिया समझना है। अगर आप देखें तो क्यूब की 6 साइड्स होंगी, तो इसका मतलब टोटल 6 एरिया बनेंगे। तो मैंने असल में जो ओरिजिनल एरिया था वो यानी 6 एल स्क्वायर हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अब इंक्रीज होने के बाद जाहिर है लेंथ में इजाफा होगा, तो एल प्लस डेल्टा एल कर दिया, ये आफ्टर वाला। तो ये अब आपके पास इसमें से जो कॉमन फैक्टर है वो मैंने लेके काट दिए हैं। अब आपके पास क्या है जनाब, इसका स्क्वेयर ओपन कर देंगे तो ये 6L 6L से कट जाएगा, डेल्टा एल स्क्वेयर बहुत ही छोटा होगा, नेग्लिजिबल स्क्वेयर लेने से मजीद छोटा हो जाएगा, तो रिमेनिंग फैक्टर अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट हो जाएगा 12L डेल्टा एल के। अब हम जानते हैं कि डेल्टा एल बराबर होता है एल अल्फा डेल्टा टी के, वो वैल्यू यहाँ पे डेल्टा एल की जगह प्लेस हो जाएगी, ये बन जाएगा एल स्क्वेयर अल्फा डेल्टा टी। अब ब्रास के लिए जो वैल्यू है वो 19 है इंटू 10^-6, तो वो वैल्यू आ गई। जो लेंथ है वो 30 सेंटी है, तो उसका 30 सेंटी का स्क्वायर 12 साथ में आ जाएगा, डेल्टा टी हमें पता है 75 से 20 का फर्क देखना है। अब मसला ये है जितना सेल्सियस में फर्क होगा उतना केल्विन में फर्क होगा, ये नहीं कह सकते कि आपने इसे केल्विन में नहीं कन्वर्ट किया तो डिफरेंस वही रहना है, डिवीजन सेम होती है, तो सेल्सियस का डिफरेंस और केल्विन का डिफरेंस सेम रहने वाला है। तो जनाब वाला अब आप इस सारे को लेके सॉल्व करेंगे तो ये 11 सेंटीमीटर स्क्वेयर आएगा, तो इतना एरिया में टोटल चेंज आएगा सरफेस एरिया में। तो ये जनाब हमारे पास सलूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।